वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इंडोल. इंडोल इज अ कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन एज हेट्रो एटम. इट हैज अ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड विद अ पायरोल रिंग एंड द नंबरिंग ऑफ वेरियस कार्बन एटम्स कैन बी डन इन दिस वे. सो दिस इज फर्स्ट पोजिशन. नाइट्रोजन इज गिवन फर्स्ट position 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So we will learn more about indole, but in this video we will only discuss about the preparation of indole. We can also use a circle to show these double bonds, to show the delocalized electron cloud on indole, on the two rings, benzene ring and the pyrrole ring. So this is indole. So let us start the preparation. Indole can be prepared by a number of methods, but the most important method is Fischer's indole synthesis. Fischer's indole synthesis. So we will discuss this method in a little detail. Fischer's indole synthesis, इस reaction में, इस synthesis के इस method में हम use करते हैं phenyl hydrazone of a ketone, acetone का phenyl hydrazone ये use करते हैं हम. तो मैंने यहां लिखा this is phenyl hydrazone of acetone. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज एसिटोन फिनाइल हाइड्राजोन. अब ये कैसे बनेगा ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. और इसको क्या करना है, एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ZnCl2 हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज हियर, और पायरो इंडोल का डेरिवेटिव यहां मिलेगा 2-methylindol. This is the reaction. अब देखते हैं इसका mechanism. Mechanism of the reaction. तो सबसे पहले तो यही सीख लेते हैं कि ये कैसे बनता है, phenyl hydrazone कैसे बनता है. तो उसके लिए हमें चाहिए phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine होता है, hydrazine होता है when there is no phenyl. NH2 is hydrazine. लेकिन अगर एक हाइड्रोजन की जगह देर इज अ फिनाइल, देन दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन. सो लेट मी राइट हियर, फिनाइल हाइड्रोजीन है ये, और इसको हमने रिएक्ट करवाना है किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ. तो यहां जैसा कि हमने ऊपर एसिटोन लिया था, हम एसिटोन के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, और यहां पे वाटर का रिमूवल होता है -H2O और NH, ये वाला नाइट्रोजन लिखा, देन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, और आगे है CH3. ये है वो फिनाइल हाइड्राजोन. अब ये फिनाइल हाइड्राजोन हमें लेना है. अब रिएक्शन का मैकेनिज्म यहां से शुरू होता है. हमने लिया ये फिनाइल हाइड्राजोन, डबल बॉन्ड CH3, और यहां इसको हमने एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को खोलकर लिख दिया, बिकॉज यहां टॉटोमेरिज्म किस तरह से होगा कि ये बॉन्ड इधर आएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, N नेगेटिव होगा, तो ये H पॉजिटिव यहां नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और NH हो जाएगा यहां, NH, ये NH हो जाएगा, और यहां सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3, यहां क्या आपको मैंने बताया, यहां होगा डबल बॉन्ड CH2. ओके, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी रहेगा, तभी इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे. ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज
एसिड कैटालाइज्ड। एसिड क्या करेगा, ये प्रोटोन होगा एसिड में, इट विल प्रोटोनेट दिस नाइट्रोजन। सो प्रोटोनेटिंग दिस नाइट्रोजन वी गेट NH2 पॉजिटिव। अब चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, कार्बन इसके साथ CH3 और आगे है डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे जो रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो मेन हो रहा है, जो रीअरेंजमेंट मेन हो रहा है, वो यहां इसी स्टेप में हो रहा है। यहां पे एक इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा कि ये जो रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर शिफ्ट हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, और इनके शिफ्ट होने से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहां सिंगल, और यहां ये कार्बन और इस कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो लेट अस डू दैट। सॉरी, ये नहीं हमें दिखाना था, इसको मैंने यहां पे इसको काट दिया, इसको यहां लिखते हैं। ये बॉन्ड नहीं बनाना है क्योंकि ये तो शिफ्ट हो गया ना, तो हमें क्या बनाना है, कार्बन, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है CH2। ये सिंगल, यहां CH3 है, यहां डबल बॉन्ड हो गया है NH2। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स गए भी हैं, तो नाइट्रोजन की स्थिति वैसी की वैसी बनी रही, उसके पॉजिटिव चार्ज वैसा ही बना रहा। यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा NH और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, राइट। तो अब ये बॉन्ड हमने यहां शो कर दिया कि ये ब्रेक हो गया। अब क्योंकि आप यहां देख रहे हो कि यहां पे अब रिंग हैज लॉस्ट इट्स एरोमेटिसिटी, यहां दो ही डबल बॉन्ड है, सो इन ऑर्डर टू रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी दीज इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट हेयर। यहां एक डबल बॉन्ड बनने से रिंग फिर से एरोमेटिक हो जाएगी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन पे आ जाएंगे। अब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा इनके आने से, और ये जो H पॉजिटिव यहां से निकलेगा वो इस N नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहां ये NH2 हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। सो लेट अस डू ऑल दीज चेंजेस। ये हमने अंदर अब डबल बॉन्ड बना दिया, और यहां CH2, इधर सिंगल बॉन्ड NH, एक H और है, और इधर कार्बन डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये CH3। ओके, अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इस नाइट्रोजन के ऊपर। अब देखिए क्या होगा कि अब ये जो कार्बन है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, फिलिक होता है लविंग। व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं ना कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, ये उसी तरह से है जैसे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है कार्बोनिल में। होता क्या है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टू नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसके ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से पूरे होंगे, दिस नाइट्रोजन विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस कार्बन। तो हम तभी कह रहे हैं कि ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो लेट अस सी ये क्या हो रहा है यहां पे। यहां हम एरोमेटिसिटी रीगेन करवा चुके हैं रिंग की, हमने पूरे तीन बॉन्ड फिर बना दिए, NH, इधर CH2 है, इधर क्या है CH3 है, और ये जब सिंगल ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो यहां सिंगल बॉन्ड बना, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था ये भी खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने से, और नाइट्रोजन का बॉन्ड कार्बन के साथ बनाना है ये बना दिया। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन उधर गया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अब नेक्स्ट स्टेप में यहां से ये NH2 नेगेटिव निकलेगा, और यहां पे ये दो हाइड्रोजन है इनमें से एक H पॉजिटिव निकलेगा, तो एक बॉन्ड, एक ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन हाइड्रोजन के, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिंग में आएंगे,
ये H पॉजिटिव, यहां से NH2 नेगेटिव निकला, तो ये तो अमोनिया निकल गया माइनस NH3, और यहां पर भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर नाइट्रोजन पे वापस आ जाते हैं तो एक H पॉजिटिव भी निकलेगा, H पॉजिटिव भी निकाल दिया। अब क्या बनाइए, ये CH डबल बॉन्ड CH3, यहां NH और यहां सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये निकल गया NH2 नेगेटिव निकल गया। और ये क्या बना है, व्हाट इज दिस, ये पायरोल ही तो है, दिस पार्ट इज पायरोल और ये बेंजीन, तो ये इंडोल बन गया विद सब्स्टिट्यूशन एट टू पोजीशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप एट टू पोजीशन। तो इस तरह से होता है फिशर्स इंडोल सिंथेसिस। यहां हमें डेरिवेटिव मिल रहा है इंडोल का, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। I hope you understood this. Now let us move on to the next method of preparation, research indole synthesis. Research indole synthesis. Okay, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ऑर्थो नाइट्रोटोलिन लेंगे। दिस इज टोलुइन, ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दिया, ऑर्थो नाइट्रोटोलिन ले लिया और इसका रिएक्शन कराना है ऑक्सलेट के साथ। पर ऑक्सलेट हमने कौन सा लिया, ये देखिए, अगर हम यहाँ इन ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो ये ऑक्सलेट आयन है, मगर अभी हम क्या ले रहे हैं, हम इथाइल ऑक्सलेट ले रहे हैं, डाई इथाइल ऑक्सलेट, दो इथाइल है सो डाई इथाइल ऑक्सलेट, और ये रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, देयर विल बी अ लॉस ऑफ इथेनॉल। कहां से निकलेगा ये इथेनॉल, C2H5O नेगेटिव यहां से, और यहां से एक H पॉजिटिव निकलेगा, तो कार्बन और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर इस कार्बन के साथ आगे ये जो कुछ है ये उसी तरह से जैसे लिखा है यहां पर वैसे हम इसको लिखेंगे, ये मैंने सर्कल से शो कर दिया। ओके, यहां NO2 है, ये वाला कार्बन मैंने यहां लिखा, CH2, अभी तो ये वाला लिखा CH2, और फिर इसके आगे C डबल बॉन्ड और ये कार्बन, और उसके आगे ये क्या है, ये एक साथ लिख देंगे COOC2H5। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब चलते आगे, अब इसका रिडक्शन करेंगे NO2 ग्रुप का, तो उसके लिए यूज करेंगे जिंक एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, जिंक एसिटिक एसिड यूज किया CH2, ये तो चेंज नहीं हुआ, इसको वैसे लिख दिया COOC2H5, यहां NH2 कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिया। अब जैसा हमने पीछे रिएक्शन में किया कि ये समझा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से शिफ्ट होते हैं कार्बोनिल में, और उससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है यहां पे नाइट्रोजन का कार्बन के साथ, और फिर क्या होगा, ओके, यहां पे ये ओ नेगेटिव हो जाएगा, है ना, सी एच टू सी, ये जो ओ नेगेटिव हुआ इसको मैंने ओ एच लिख दिया सी ओ ओ सी टू एच फाइव। ओ एच कैसे लिखा वो अभी बताते हैं, ये एन एच टू था, यहां हमने इसको लिखा एन एच और नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म कर दिया कार्बन के साथ। तो हमने क्या किया, यहां से एक एच पॉजिटिव भी निकाला है, और वो जो इलेक्ट्रॉन उसके रह गए H पॉजिटिव निकलने से, वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए नाइट्रोजन पे, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर यहां कोई चार्ज नहीं दिखाया, जबकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए थे पर उसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए भी हैं तो फिर इसके ऊपर यहां पे कोई चार्ज नहीं आएगा। और इसके बाद साइक्लोडिहाइड्रेशन होगा, साइक्लोडिहाइड्रेशन में यहां से ये OH निकलेगा, और ये अगर हम एक H इस तरह से दिखाएं तो ये जो बॉन्ड है ये रिंग में, ये एच पॉजिटिव और यहां से ओ एच नेगेटिव, तो दिस इज साइक्लोडिहाइड्रेशन हो रहा है, ये वाटर निकला, और क्या हो रहा है यहां पे सी एच, अब डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहां कार्बन है
साथ में आगे सी ओ ओ सी टू एच फाइव है और इधर एन एच है। अब सिर्फ ये एस्टर मॉइटी रिमूव करना रह गया, बाकी ये क्या बन चुका है, इंडोल बन चुका है। तो इसको रिमूव करना तो बहुत इजी है, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा। हाइड्रोलिसिस के लिए अल्कलाइन या एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं, यहां हमने ले लिया अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इसका कर दिया। फॉलोड बाय व्हाट, क्या करेंगे इसको, हीट करेंगे, क्योंकि वो जो सी ओ ओ एच यहां बनेगा वो हीट करने से डी कार्बोक्सिलेट होगा, सी ओ टू विल बी लॉस्ट, सी एच डबल बॉन्ड सी एन एच एच, यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सो इस तरह से रीसर्ट इंडोल सिंथेसिस, येट अनदर मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडोल्स। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट ले लेते हैं मेडलंग सिंथेसिस। मेडलंग सिंथेसिस, मेडलंग सिंथेसिस में क्या करते हैं, ये एक सिंपल मेथड है जिसमें हम ऑर्थो पोजीशन पे टॉलवीन ही ले रहे हैं, अगेन दिस इज टॉलवीन, मगर ऑर्थो पे क्या ले रहे हैं, एन एच सी ओ एच। दो तरह से कर सकते हैं, एक बार अगर हमने ये लिया, अब फिर से मैंने टॉलवीन ले लिया, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे क्या लेंगे, एन एच सी ओ सी एच थ्री, तो ये फॉर्मामाइड है, एच सी ओ एन एच टू इज फॉर्मामिडो, फॉर्मामाइड ग्रुप, तो ऑर्थो पे फॉर्मामिडो है, अदरवाइज इट इज टॉलिन, तो ऑर्थो फॉर्मामिडो टॉलिन, और ये क्या है, ये एसिटामाइड है, सी एच थ्री सी ओ एन एच टू इज एसिटामाइड, तो ऑर्थो एसिटामिडो टॉलवीन। ठीक है, यहां डेरिवेटिव बनेगा इंडोल का, यहां सीधे सीधे इंडोल बनेगा। तो लेट अस सी दोनों रिएक्शंस कैसे करेंगे, अगर हमें करना है फॉर्मामिडो के साथ तो हमें चाहिए एन ए एन एच टू, अंदर सर्कल दिखा देते हैं, यहां सर्कल दिखाया, यहां भी सर्कल दिखा देते हैं, इस तरह से इंडोल फॉर्म होगा। और जब हमने यहां सी एच थ्री लिया था तो इंडोल का डेरिवेटिव फॉर्म होगा ये वाला डेरिवेटिव, अगेन टू मिथाइल इंडोल। और ये कैसे होगा रिएक्शन, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लिखा, टर्शरी ब्यूटोक्साइड बनाना है, सो मैंने यहां ले लिया पोटाशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड, आगे ओ है ना, ये टर्शरी ब्यूटाइल है, आगे ओ है तो ब्यूटोक्साइड, सो पोटाशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में, दिस इज मेडलंग सिंथेसिस। एंड नाउ वन मोर मेथड, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहां दिस इज बिशलर मोहलन सिंथेसिस, इसको सिंपली बिशलर सिंथेसिस भी बोल देते हैं, बिशलर सिंथेसिस ऑफ इंडोल। यहां एनिलीन लेना है और एक अल्फा हेलो कीटोन लेना है, कीटोन हमने इस तरह का लिया कि एक तरफ एराइल ग्रुप ले लिया, एक तरफ एल्काइल, मगर एल्काइल अल्फा पोजीशन पे ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड है, सो दिस इज अल्फा ब्रोमो कीटोन। ओके, लॉस ऑफ एच बी आर, यहां से एच और यहां से बी आर, ये निकाल देना है, तो क्या बचा, एन एच बचा और सी एच टू सी ओ सी सिक्स एच फाइव। अब यहां पर भी उसी तरह का कुछ रिएक्शन है ये भी, कि ये यहीं पे मैं आपको सीधा प्रोडक्ट लिख के बताऊंगी, पर थोड़ा सा यहीं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या हो रहा है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बींग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दीज विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। उससे क्या होगा,
दिस कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसकी ये डेफिशिएंसी कहां से पूरी होगी, ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां शिफ्ट होंगे, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां जो एक डबल बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे जाएंगे और वो कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये जो पार्ट है ये OH हो जाएगा, COH, और बाद में साइक्लोडिहाइड्रेशन में ये OH निकलेगा और ये साथ वाले कार्बन का H निकलेगा, तो इन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा हम सीधे उसी को लिख रहे हैं, ये सारे उसी तरह के स्टेप्स हैं जो अभी हम पीछे रिएक्शंस में पढ़ चुके, जो अभी तक हमने मेथड्स पढ़े। ओके यहां डबल बॉन्ड और यहां ये फिनाइल रिंग है थ्री पोजीशन पे। तो ये क्या हुआ, आपको मैंने जैसे यहां पे एक्सप्लेन किया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गए थे राइट, और ओके यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए थे, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे, कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया था, तो इसका मतलब ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये वाला कार्बन जिसके साथ एक फिनाइल है। ये डबल बॉन्ड कैसे आ रहा है, जब ये ओ नेगेटिव बनेगा, एक्चुअली ये OH ही बन जाएगा, और ये OH और इस कार्बन का ये H, ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन है, तो यहां से जब एक H निकलेगा डिहाइड्रेशन होगा, तो इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ये वाला डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। बट विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस रिएक्शन वील सिंपली राइट द रिएक्शन एंड दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो दीज वर द फोर मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडोल। इन दिस वीडियो विल डिस्कस, इन दिस लेक्चर विल डिस्कस ओनली दिस मच अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इंडोल। So thanks for watching this video. Have a great day.